हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल के थर्ड वीक की। सो लेट्स चेक कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल। मैसेजेस फॉर लिब्रा फॉर द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल। सेवन ऑफ पेंटिकल्स या सेवन ऑफ स्टार्स कहूं मैं इसको। किसी चीज का वेट कर रहे हैं आप लिब्रा। चलिए और कार्ड्स देखते हैं। मैसेजेस फॉर लिब्रा फॉर द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल। नाइन ऑफ हेयर। प्रोफेटस नाइन ऑफ स्टार। लिब्रा, किसी चीज के होने का आप वेट कर रहे हैं, जिसके बारे में किसी ने आपको पहले से कमिट किया हुआ है या पहले से आपको पता है कि ये चीज होने वाली है। किसी तरीके की भविष्यवाणी कह सकते हैं या किसी तरीके का प्रॉमिस। सो अगर किसी ने आपको कुछ कहा था आपके फ्यूचर के बारे में, तो वो चीज हो सकता है इस वीक में आपको सही होती हुई दिखाई दे। यहां है नाइन ऑफ स्टार्स, तो डेफिनेटली कोई चीज ऐसी है जो रियल लाइफ में होगी, और ये कोई पॉजिटिव बात हो सकती है जो आपको किसी ने बोली है और आपके लाइफ में वो हो जाए इस वीक में ऑल ऑफ अ सडन। एंड देन आपको लगेगा ओ, इस पर्सन ने मुझे ऐसा बोला था या ऐसा मेरे फ्यूचर के बारे में बोला था, और वही चीज इस वीक में हो रही है। ठीक है, कोई पास्ट में ऐसा कुछ बोला हो आपको, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सिंपली आपके पार्टनर जो है उन्होंने आपको कुछ ऐसा बोला है, और वो थर्ड वीक में आपको सही होता हुआ दिखाई देगा। यह नाइन ऑफ स्फीयर है, तो मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप एकदम किनारे पे आ गए हैं। अब आपका धैर्य या आपका पेशेंस जो है जवाब दे रहा है। ठीक है, एंड आप वेट कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं सेवन ऑफ स्टार्स के साथ चीजों के होने का, मगर आपको भरोसा नहीं है कि वो चीजें हो जाएंगी। लेकिन चूंकि यहां प्रोफेटस का कार्ड है, तो कुछ चीजें जो आपको प्रीवियसली कही गई है पॉजिटिव वे में आपके लाइफ में हो सकती है, नॉट इन अ नेगेटिव वे, पॉजिटिव वे में ये चीजें आपके लाइफ में हो सकती है ऑल ऑफ अ सडन। ऑल्दो ये जनरल रीडिंग है, डेफिनेटली जरूरी नहीं कि आप सबसे मैच करेगी, अपोजिट साइड से भी मैच कर सकती है, जिसे हम रिवर्स एनर्जी कहते हैं। और इसके अलावा अगर आप लास्ट वीक की और ईयरली रीडिंग में इंटरेस्टेड हो, तो एज यूजुअल उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए लिब्रा कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं, क्लियर करते हैं। मैसेजेस फॉर लिब्रा फॉर द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल। टेम्परेंस फाइट सेवन ऑफ स्टार्स।
एट ऑफ मून। ओके, आप कुछ बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, जैसे कि इस सिचुएशन में सिर्फ आप वेट कर सकते हैं चीजों के ठीक होने का, अपने से आपके पास करने के लिए कोई टास्क नहीं है। मतलब कि ये जो सिचुएशन है इसको आप अपने एक्शन से नहीं बदल सकते, ये आपके पार्टनर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपनी कमिटमेंट पूरी करते हैं। आप उन्हें पुश नहीं कर सकते इस वक्त में चीजों को करने के लिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये टावर है, ये बंद है, तो एक तरीके से मैं आपके अंदर रेस्टलेसनेस भी देख रही हूं कुछ करने के लिए। आप ये विश कर रहे हैं कि आपके हाथ में अगर सिचुएशन होती तो आप उसे बेहतर हैंडल कर पाते, लेकिन ऐसा है नहीं, ये चीज आपको बेचैन कर रही है। प्लस आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करने के लिए परेशान है, आप अपने पार्टनर से मिलने के लिए परेशान हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते इस वक्त, ठीक है? तो ये चीज जो है आपको थोड़ा परेशान कर रही है, और आप वेट कर रहे हैं कि कब वो कमिटमेंट्स पूरी होंगी, कब वो वक्त आएगा जब आपके लाइफ में वो चेंजेस आएंगे जो आपको प्रॉमिस किए हैं आपके पार्टनर ने। मगर मुझे लगता है कि प्रोफेटिस के कार्ड के साथ थर्ड वीक में आपको ऐसा कुछ कमिटमेंट या कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे आपको ये भरोसा हो जाए कि ये चीजें सही होंगी। ओके, इसके अलावा यहाँ नियो फाइट का कार्ड है, तो यहां मैं देख रही हूं कि आप काफी वाइज हैं सिचुएशन को लेके, आप इस बात को समझते हैं। आप रेस्टलेस तो हैं, आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस है थर्ड वीक में, मगर आपके अंदर समझदारी भी है। कार्ड ऑफ नियो फाइट यही शो कर रहा है कि आपके अंदर समझदारी है और आप जानते हैं कि आपको चीजों को कैसे डील करना है। यहाँ एट ऑफ मून है, तो यहाँ एट ऑफ मून के साथ मुझे दिख रहा है कि आपके पास कोई है जो आपकी मदद करने को तैयार है। मतलब कि मदद इस सेंस में कि आपके साथ आपकी फीलिंग्स शेयर कर सकता है, आपको समझता है। आप अगर चाहते हैं कि अपनी रेस्टलेसनेस की फीलिंग को आप बोल सके तो कोई ऐसा आपके पास जरूर है जिससे आप ये फीलिंग्स बोल सके, अपना फ्रस्ट्रेशन जो है शेयर कर सके कि आप कितने परेशान हैं इस सिचुएशन को लेके। मगर यहाँ पे आपकी कोई लिटरली हेल्प नहीं कर सकता आपके पार्टनर से कुछ करवाने के लिए, कोई कमिटमेंट करवाने के लिए। या अगर आप अपोजिट साइड से देख रहे हैं तो अगर लिब्रा के साइड से ऐसा हो रहा है तो आप उनको पुश नहीं कर सकते ऐसा करने के लिए। आपको पुश करने की जरूरत भी नहीं है लिब्रा, या कार्ड ऑफ टेम्परेंस है, चीजें अपने आप बदल रही है, ट्रांजिशन अपने आप हो रहा है। आपके हाथ इसलिए बंधे हुए हैं क्योंकि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्स ने अपने हाथ में कमांड ले रखी है। जो चेंजेस आएंगे सब पॉजिटिव आएंगे, आपको चिंता की जरूरत नहीं है। टेम्परेंस का कार्ड शो कर रहा है जो अब तक होता आया है उससे चीजें चेंज होंगी, ट्रांजिशन में बदलेंगी। आपके पार्टनर ध्यान दे रहे हैं इस बात पे कि उन्होंने जो किया वो कम ठीक नहीं था, वो कमिटमेंट पूरी नहीं की उन्होंने जो उन्हें करना चाहिए था, और अब वो उस चीज को पूरा करना चाहते हैं। इस थर्ड वीक में आप ये रियलाइज करेंगे, और ये जो भी पर्सन है ये अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए कोई ना कोई स्टेप जरूर लेगा, किसी ना किसी तरीके का आपको कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा अपने पार्टनर से। और अगर आप सिंगल हैं तो, और किसी के तरफ आपका इंटरेस्ट था, तो पॉसिबली वो भी किसी तरीके से आप में इंटरेस्ट शो कर सकते हैं इस वीक में। देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेजेस क्या है। लिब्रा मैसेजेस फॉर लिब्रा फॉर द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल। Messages for Libra for the third week of April. Commander Aster, call to action, take charge, lead by example, walk your talk. Okay, ये जो आपका tarot reading है उसके साथ इस oracle का मतलब ये है, take charge, lead by example, walk your talk. Okay.
अगर आप सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते तो आप चेंज मत कीजिए, अपने आप को मत बदलिए। किसी को प्लीज करने के लिए या किसी से कुछ करवाने के लिए अपने आप को मत बदलिए। टेक चार्ज, आपको अपने लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटी या चार्ज को खुद लेना होगा। या नियोफाइट, आप समझदार हैं और आप ले सकते हैं। लीड बाय एग्जाम्पल, आप जो करेंगे वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल है। एंड वॉक योर टॉक, जो आपने कहा था वही करिए। आपको अपने अंदर चेंजेस लाने की कोई जरूरत नहीं किसी और के लिए। आपके पार्टनर खुद समझेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए और वो करेंगे, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं डर है आपको खोने का और वो अपनी गलती रियलाइज करते हैं और आपसे अट्रैक्टेड हैं और आपसे अटैच्ड हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी तरफ से ऐसा है। सो ये रीडिंग अच्छी थी लिब्रा फॉर द 3rd वीक ऑफ अप्रैल। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।